सुविधाएं दवाइयां हैं, डॉक्टर उपलब्ध है, मगर समाज ही बीमार हो जाए तो उसका इलाज क्या है, क्या है उसका उपाय। जी हाँ, आज हम ऐसे ही समाज से आपको रूबरू कराते हैं। कॉल कर आपकी राय हम जानेंगे। पहली तस्वीर इटावा से है, जहाँ प्रेम विवाह करने में असफल रहने से प्रेमी प्रेमिका ने एक दूसरे को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना के बाद पुलिस ने गंभीर रूप से घायल दोनों प्रेमी और प्रेमिका को पीजीआई में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान प्रेमी की मौत हो गई, तो वहीं घायल प्रेमिका अभी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। इस घटना में सबसे संवेदनहीन पहलू दिखाई दिया जब प्रेमी प्रेमिका की गोली मारने के बाद घटना स्थल पर एक वीडियो वायरल सामने आया। आप देख सकते हैं वीडियो में घायल प्रेमी अपनी घायल प्रेमिका की गोद में बेहोश लेटा है और प्रेमी जोड़े के आसपास खड़े लोग तमाशबीन होकर प्रेमी जोड़े का मजाक बना रहे हैं, वीडियो बनाने में व्यस्त हैं। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि घायल प्रेमिका की गोद में प्रेमी अपना सर रखकर लेटा हुआ है और गोली लगने से घायल प्रेमिका आसपास के खड़े लोगों से मदद की गुहार लगा रही है। घटना के आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल प्रेमी जोड़े को अस्पताल पहुंचाया। वहीं आप देखिए दूसरी तस्वीर गाजियाबाद के इंद्रापुरम की है, जहां 10वीं मंजिल से गिरने पर 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। लहूलुहान बच्ची करीब 7 मिनट तक तड़पती रही, लेकिन कोई भी रेजिडेंट उसे अस्पताल ले जाने के लिए आगे नहीं आया। सोसाइटी के गार्ड बार बार लोगों ने अपील करते रहे कि कोई अपनी कार से बच्ची को लेकर चले, कोई तैयार नहीं हुआ तो गार्ड अपनी स्कूटी पर बच्ची को लेकर शांति गोपाल अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो गई थी। इटावा और इंद्रापुरम की तस्वीरें जहां पर संवेदनहीनता समाज की सामने आई है। सवाल यही है कि इंसान का मतलब ही इंसानियत से होता है, जब इंसानियत ही खत्म हो जाए तो क्या हम आप ये समाज इंसान कहने लायक है, इंसानों से बनता है समाज? तो संवेदनहीनता पे ही आज हमारी बात होगी जनता बोल आंखें खोल में। फोन कॉल्स कुछ ही देर में हम खोलेंगे, लेकिन उससे पहले इंद्रापुरम में जो ये हादसा हुआ है इस पर जरा अपडेट जान लेते हैं। हमारे संवाददाता जितेन भाटी इस खबर पर जुड़ गए हैं। जितेन, शर्मनाक है ये बेहद। इंद्रापुरम एक पॉश इलाका, गाजियाबाद मेट्रो सिटी, और यहाँ पर 10वीं मंजिल से एक बच्ची की मौत हो जाती है। इस तरह का हादसा अगर बच्ची के साथ है तो किसी का भी दिल पछी सकता है, लेकिन किस पत्थर के लोग बने हुए हैं कि उन्होंने अपनी इस छोटी सी बच्ची को वहां आसपास के लोगों ने अस्पताल में ले जाने की जहमत नहीं उठाई। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक शब्दों का प्रयोग करते हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद का पॉश इलाका इंद्रपुरम है, जहाँ बेहद पढ़े लिखे लोग सभ्य लोग रहते हैं, और इस सोसाइटी में 10वीं मंजिल से एक मासूम बच्ची गिरती है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में जो लोग यहाँ पर मौके पर मौजूद थे, जो खूनम खून लड़की पड़ी थी, उसको बच्ची को अपनी गाड़ी में रखकर अस्पताल ले जाने से कतरा रहे थे, महज इसलिए कि उनकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। आपको बता दें कि जिसके जिगर का टुकड़ा 10वीं माले से गिर गया और उसकी मौत हो गई, उस माँ बाप ने क्या बीती होगी। हालांकि इसे एक बड़ी लापरवाही माना जा रहा है कि दूध हुए बच्चे को, छोटे बच्चे को आप अगर घर में छोड़कर जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर जो बालकनी है उसको लॉक करके जाए, जिससे कि बच्चा उठेगा और जाहिर तौर पर बालकनी की तरफ मुंह करेगा, और बालकनी की तरफ बच्ची आई है, ये उसने कुर्ती लगाई है और उसके ऊपर बालकनी से वो झांक रही थी, तभी ये हादसा हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ा हादसा ये है कि जो पढ़े लिखे सभ्य लोग, एक बड़ी सोसाइटी में रहने वाले लोग, आखिर इतने पत्थर दिल कैसे हो गए कि एक मासूम बच्ची को अस्पताल नहीं ले गए। अपने आप में एक बड़ी वक्त था, 7 मिनट में इस बच्ची की जिंदगी बच सकती थी। ये बच्ची फर्श पर पड़ी हुई 7 मिनट तक तड़पती रही। बिल्कुल हैरान है ये बात समझना नहीं, समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार ऐसे कौन से वो लोग थे, किस मिट्टी से वो लोग बने थे कि दिल नहीं पसीजा इस बच्ची के लिए, मदद के लिए आगे नहीं आए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इनमें से कुछ लोग एडवोकेट थे, कुछ लोग यानी कि कुछ लोग कोई इंजीनियर था, कोई पढ़े लिखे सभ्य लोग जो बेहद पॉश इलाके में रहते हैं, जो अपने आप को एक बड़ी पदवी बताते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी बताते हैं, उसकी गाड़ी मात्र गंदी ना हो जाए इस एवज वो उस बच्ची को अस्पताल नहीं ले गए, बच्ची तड़प रही थी, और इतने बाद इतने में भी कोई भी नहीं पसीजा कि इस बच्ची को, मासूम बच्ची को आके फर्स्ट एड दी जाती और समय पर फर्स्ट एड देने की वजह से बच्ची बच सकती, लेकिन फिर भी किसी का दिल नहीं पसीजा। खाकर जब गार्ड
चिल्लाया, किसी ने नहीं सुनी, तो फिर उसने अपनी स्कूटी निकाली और स्कूटी पर ही इस बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, इस बच्ची की मौत हो चुकी थी। शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। शर्मनाक हादसा है ये, दर्दनाक हादसा है, जो भी हादसे को सुन रहा है उसके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, जमीन पैरों से खिसक जा रही है। लेकिन ऐसे समाज पर भी सवाल उठता है कि आखिरकार इंसानियत कहाँ चली गई है लोगों के बीच में, समाज संवेदनहीन क्यों होता जा रहा है। इस तरह की कोई पहली तस्वीर नहीं है, टावा की भी हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर एक प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी करने की कोशिश की, एक दूसरे को गोली मारी, लेकिन ये हमने ब्लर करके तस्वीरें आपको दिखाई हैं, चूंकि रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है। प्रेमिका की गोद में प्रेमी तड़पता रहा, प्रेमिका हेल्प हेल्प की बात कहती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन देखिए आसपास आपको पीछे लोग दिख रहे हैं, वहां सुन रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इन दोनों की मदद के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाया। हर कोई वीडियो बनाने में व्यस्त था। सवाल यही कि क्या किसी के वीडियो बनाने से किसी की जान बच सकती है? जान बचाना सबसे बड़ा फर्ज होता है, लेकिन क्या इस बात को लोग भूल चुके हैं कि इंसानियत के फर्ज को लोग भूल चुके हैं? आखिरकार समाज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये समाज आपसे, हमसे और हमारे परिवार से मिलकर बनता है। समाज का रूप ही मतलब एक बड़ा परिवार होता है। आखिरकार वो बातें, वो मोरालिटी, वो मॉरल साइंस जो हमने क्लासेस में पढ़ा था, अपने स्टडी टाइम में पढ़ा था, वो बातें जब बड़े होते जाते हैं तो काफ़ुर क्यों होती जाती हैं?